आज के समय में दस हजार बारह हजार में शादी हो जा रही है अगर दुल्हन घर में आ जा रही है कितनी अच्छी तीस हजार में तब वो सस्ता इतना कई दिन पहले जानकारी मिलल बाबू ब्याह करे बस -तीन दिन, -तीन दिन। -तीन। अरे भी मन में जिज्ञासा थी कि ये कौन सा प्यार है कि इंस्टाग्राम में तीन दिन में हाय हेलो से प्यार हो जाता है चौथे दिन शादी की फैसला शादी का फैसला ले लिया जाए काम दहेज के जरूरत जाता है लड़का मार खुश रहे बहुत है दिन भैल है पतो ही आइले कुछ सेवा हुआ भैल हाँ सेवा कैले नहीं का का कैले बाढ़ धर जल्ली नहीं गोड़ धैली नहीं।, नहीं तो ये मन पसंद दिया बहुत पसंद दिया है निक का नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे मैं तेज प्रताप दोस्तों हमारी मौजूदगी है इस समय अमरनाथ जी के घर पे अमरनाथ जी है सोशल मीडिया पे जो है चर्चाओं में चल रहे कारण यह है कि इनको इंस्टाग्राम से एक लड़की से तीन दिन में प्यार होता है चौथे दिन ये लोग फैसला ले लेते हैं कि हम शादी करेंगे इनके घर वालों को जानकारी है कि नहीं है कि माता जी से हम जो है इनके माता जी से जानने का प्रयास करेंगे इनकी माता जी बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपके लड़के की शादी हुई है शादी हाँ, हुई है शादी हुई है देखिए प्रामाणिकता दे दी है कि शादी हुई है बतौले रहना है कि मतलब हम ब्याह हाँ, कर है कई दिन पहले आज चार पाँच दिन पहले चार पांच दिन पहले बतौले शादी करे जाले। आ, हम काली ला तू खुश मतलब दबाव दुनिया 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 देश दुनिया जाले ते करे कर रहा ते देश जाले शादी लड़की मालूम हो, हो जाला, सब हो जाला। आ, तो या, मन पसंद ये बात अच्छा धड़कन बढ़त रहा सबके मतलब कैसन बा कैसन नाई बा

बात मलमास कहिया लगाता है मलमास लगल नहीं अच्छा मलमास लगल बा बात भीतर छुआ जाए मतलब आप लोग समझिएगा जिनको न जानकारी हो अदर प्रांत से देख देख रहे हो वीडियो तो आ, जो किचन में जो है एक रस्म होती है कि किचन में अगर बहू को खाना बनाने के लिए एक भोज किया जाता है तमाम लोग आते हैं खाना उना बनाने के लिए उनको आशीर्वाद देते हैं उनके हाथ का खाना खाते हैं ये रस्म पूरा करके तब औरतें जो है किचन में घुसती हैं और खाना बनाती है सही है ना न सही है अच्छा लड़का से यह उम्मीद रहा है कि मतलब दान दहेज ना मिले दुनिया दान दहेज का उम्मीद दान दहेज कम के जरूरत ना है लड़का हमारे खुश रहे वह बहुत है देखिए इधर जो है लड़के के पिताजी भी अभी आ गए हैं इधर आइए इधर आइए आप ये बारात भी गए थे आप लोग हमारे वीडियो में नहीं देखे होंगे नहीं आए होंगे लेकिन ये बारात गए थे शादी ही करवा के, आएं। हाँ, के आएं। कर दिन पहले जानकारी मिलू दिन, -तीन दिन। <laughs> मतलब की इनके प्यार भी तीन दिन पहले शादियों भी तीने दिन पहले हाँ। को पहले बताए थे पापा बाद में जाने अच्छा पापा जब जान ले रहे कैसे रहे बढ़िया रहे मान ले था एक अनजान लड़की आप लोग ले आए हैं लोग रिश्ता करते हैं तो पहले लड़की को देखते हैं घर वालों को देखते हैं लेन देन की बात होती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं। ऐसा नहीं कुछ हुआ नहीं, है। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, एक अच्छा रात को बारह बजे आप लोग निकलते हैं शादी करने के लिए सुनिए सुनिए अभी भाग्य मत बारात जो है शाम को विदा होती है और नौ दस बजे पहुँच जाती है दुल्हन के घर जहाँ तक शादियाँ हमने देखी है यहाँ बारह बजे रात को बारात निकलती है और दिन में यहाँ दिन तो में सुबह तो <laughs> भैया साथ में थे इसलिए बता रहे हैं टोटल अपडेट लेने के लिए गए थे जानते हैं क्यों कारण ये है कि ये लोग नवयुवक हैं जल्दीबाजी में फैसला लेते हैं और ऐसा फैसला ले, ले लेते हैं कि जो इनके जीवन के लिए घातक हो जाता है तो वहाँ पे हम लोगों की मौजूदगी होना बहुत आवश्यक है हम हम जिम्मेदार हैं ये कहीं ना कहीं हमसे व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं तब हम इनके शादी में शरीक हुए और हम भी जानना चाहे जिज्ञासा जैसे दर्शकों को है वैसे हमारे भी मन में जिज्ञासा थी कि ये कौन सा प्यार है कि इंस्टाग्राम में तीन दिन में हाय हेलो से प्यार हो जाता है चौथे दिन शादी की फैसला शादी का फैसला ले लिया जाता है मेरे मन में भी जिज्ञासा थी हम भी चल दिए बारात में और वहाँ पर पहुँचे तो वास्तव में देखे अनोखी शादी थोड़ा सा वाक्य आप लोगों को बताएंगे कि जब उस मंदिर के प्रांगण में पहुँचते हैं तो शादी विवाह से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं उस ट्रस्ट के यहाँ के जो मेन पुजारी थे मठाधीश से उनसे जब वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ से हमारे यहाँ से शादी का प्रमाण पत्र दिया जाता है तो हमने उनसे पूछा कि जो आपका प्रमाण पत्र शादी का दिया जाता है क्या ये कोर्ट में मान्य है तो बोले हाँ हमको बहुत अच्छी बात है तो कहीं ना कहीं हम लोग जो भी कदम उठाए थे वो सफल रहा सही है ना सही है अब उम्मीद आपसे यही करते हैं कि शादी को लंबे समय तक चलाना है बिल्कुल जब तक जिंदगी है तब तक लंबे समय तक चलाना है लंबे समय तक ही नहीं आजीवन चलाना है जब तक जिंदगी है तब तक हाँ अमरनाथ बाबू जान लेना समाज में मर्द जिम्मेदार होते हैं हम मर्द हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो हम अगर कुछ गलत करेंगे तो हम आपके खिलाफ भी बोलेंगे बिल्कुल भैया बिल्कुल हम सदा उस लड़की के साथ रहेंगे जिसका हाथ पकड़ करके आप ले आए हैं भले ही फर्स्ट प्रपोजल उस लड़की का रहा ओके भैया

अच्छा शादी भी हम कितना खर्च भेल भैया हम अपनी बहन का शादी किए थे हाँ। कर्जा लेके शादी किए थे हाँ। और भरते थे तो हम लोग वो कर्जा आज तक भरा रहा होगा नहीं अभी तक है बाकी बीस बीस हजार रूपए है अभी हाँ। हाँ। अमरनाथ के शादी में कितना कर्जा कोई रुपया ना भैया कितना खर्च भाई है दस हजार बारह हजार बताइए क्या बात है आज के समय में दस हजार बारह हजार में शादी हो जा रही है अगर दुल्हन घर में आ जा रहे कितने खर्चा में वो ही होती है। सही है ना सही है अच्छा सास मतो झगड़ा मत न दोस्तों ये अमरनाथ जी की माता जी थी चूंकि ये गार्जियंस हैं इनकी भी बाइट आवश्यक है वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार